क्या हो रहा है बंगाल में? लाइन ऑर्डर है नहीं बंगाल में, एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर? और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकारें ऐसा मुद्दा बनाया था, और मैं समझता हूँ कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में। तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूँगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते,